हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हियर आई कम विद अनदर वीडियो। आज का जो मेरा लुक है वो है हैलोवीन, और उसके लिए मुझे सबसे पहले लेने थे लेंस। तो मैं सबसे पहले गई थी लेंस कार्ड, वाइट शेड ढूंढ रही थी, वाइट शेड नहीं मिला। थोड़ा सिल्वर ढूंढ रही थी, वो भी नहीं मिला। तो जो मुझे समझ में आया मैंने वही बाय किया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो लेंस मैंने वेयर कर ली है, मैंने सिर्फ एक आईज़ में ही लेंस वेयर कर रखा है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस के मुझे लेंसेज मिले नहीं वहाँ पे, तो जो अवेलेबल था मैंने उससे लुक बनाई। लुक वैसे हैलोवीन है, बट मुझे इसको बाबा यागा कहने का मन कर रहा है, क्योंकि मेरा बेबी बार बार बोलता है बाबा यागा बाबा यागा। तो मुझे वही दिमाग में आ रहा था जब मैं बना थी, तो इस लुक को मैं यही नाम दूंगी, बाबा यागा का। तो जब भी आप फैंटेसी लुक करना चाहेंगी तो एक बात का ध्यान रखिए, अगर हाफ फेस पे फैंटेसी लुक कर रही हैं और हाफ फेस आपने ऐसी कर रखा है तो उसको आपको बेस लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप बेयर फेस पे स्टार्ट कर देंगे फैंटेसी लुक करना, नहीं, आपको पहले बेस बनाना पड़ेगा। अगर फुल फेस कर रहे हैं तो डबल प्राइमर लगेगा फैंटेसी मेकअप के लिए, लेकिन अगर आप फैंटेसी हाफ फेस पे कर रहे हैं तो आपको फाउंडेशन कंसीलर सब करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ से आपकी स्किन शो हो रही होगी वो नेचुरल लगनी चाहिए। बस इसमें हम इस बात का थोड़ा सा ये लीनियंट हो जाते हैं कि बेस अगर थोड़ा डल पड़ गया है तो इट्स ओके, थोड़ा अपने एक लाइट टोन का फाउंडेशन लगा लिया तो भी इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि मेकअप थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का ही हो रहा है तो वो चलता है, बट बेस बनाना पड़ेगा पूरा। तो अभी आईब्रो बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो निकल आया है हमारा ये कलर बॉक्स, टैन टैन है, अथीना जी निकल आई हैं और इन्हीं के थ्रू हम सारे अपने फेस मेकअप करते हैं। काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, जब मैं इनको हटाती हूँ तो बहुत स्मूथली हट भी जाते हैं और मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं कर रहे, तो अच्छे हैं। अगर फैंटेसी लुक अप कर रही हैं तो इससे कीजिए, स्किन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कमाल की बात ये थी कि मैं यहाँ पर प्राइमर लगाना भूल ही गई थी, और जब ये रेड वाली पूरा मैंने अपना फेस क्लीन किया तो मेरे फेस पे पूरा पैच पड़ा हुआ था। तो प्राइमर ज़रूर लगाइए जब भी फैंटेसी लुक की करें। तो जब ये पूरा रेड हो गया, अगर मैं इसको यूं ही छोड़ देती तो बहुत शार्प सा लगता, तो इसके एजेस को थोड़ा स्मूथ दिखाने के लिए और थोड़ा 3D में दिखाने के लिए, आप ये कह सकते हैं थोड़ा डेप्थ देने के लिए, मेरे को उसको ब्लैक से थोड़ा सा स्मर्ज और थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे हम, अंडर आउटलाइनिंग करनी पड़ेगी ताकि वो सॉफ्टनेस आ जाए उसमें एक। और दूसरी साइड में कर रही हूँ ब्लैक, एक साइड मेरा रेड था एक साइड मेरा ब्लैक था। तो अभी इस साइड रेड जो था वो प्लेन था, मगर ब्लैक प्लेन नहीं है, उसमें कुछ वाइट स्ट्राइप्स भी आएंगी और कुछ ब्लैक आएंगी, थोड़ा डिफरेंट काइंड का ये था। देखने में बहुत इजी लग रहा था मगर करने में ना अभी उतना आदत नहीं है, तो ब्रश संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह से मैंने एक ही बार वाइट के लिए स्पेस छोड़ के सबसे पहले ब्लैक कर लिया और उसके बाद ब्रश क्लीन करके वाइट कर लिया, और अब ये बीच में नोज़ जो है उसको थोड़ा रेड एंड ब्लैक करना पड़ रहा है वैसे ही लुक दिखाने के लिए। अच्छा, लिप्स में भी पहले मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई और उसके बाद मैंने उस लिप कलर को ब्लैक से अच्छे से एक डेप्थ दिखाने के लिए, थोड़ा हॉरर लुक दिखानी है ना हमें, अगर रेड ही लिप्स रखती तो सॉफ्ट लगता। इसी तरह से लिप्स को थोड़ा नेगेटिव दिखाने के लिए मुझे मैम की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि मेरे ये जो वी शेप जो नीचे आ रहा है दोनों आईज पे से, वो थोड़ा ज़्यादा नीचे तक आ गया था, जिसकी वजह से ना वो बड़ा सा एक जो मेरे को ब्लैक लगाना था वो लग नहीं पा रहा था।
तो अभी क्या मैम ने मेरे को किया कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा मेरे लिप्स को बाहर निकाल के थोड़ा नेगेटिव जो फेस था वो दिखा दिया, अदरवाइज ऐसे फेस बहुत सॉफ्ट सा लग रहा था, वो ऐसा ड्रामेटिक लुक नहीं है। तो बाबा यागा लुक हो गई है कंप्लीट, और आप लोग देखिए और थोड़ा डरे भी, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है।